नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का क्विज डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल जल आपूर्ति प्राप्त करने वाला 7वां राज्य बन गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। जल जीवन मिशन JJM के तहत 100% घरेलू नल के पानी की कनेक्टिविटी हासिल करने वाला 7वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। JJM की स्थापना 2019 में वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी प्रदान करने के लिए की गई थी। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश में लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया है। 76 वर्षीय राजनेता की जीत ब्राजील में वामपंथ की सत्ता में वापसी का प्रतिनिधित्व करती है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने आधिकारिक तौर पर JY Lee को अपने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े व्यापार समूह में लंबे समय से निभाई गई सर्वव्यापी नेतृत्व की उनकी भूमिका को औपचारिक रूप दिया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। हाल ही में निपोन गोस्वामी का निधन हो गया है, उसका पेशा क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है वरिष्ठ असमिया अभिनेता निपोन गोस्वामी का लंबी बीमारी के बाद एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत असमिया फिल्म संग्राम के मुख्य अभिनेता के रूप में की, जो एक हिट फिल्म थी, और इसके बाद उन्होंने एक और सुपरहिट डॉक्टर बेजबरुआ का अभिनय किया। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन केंद्र स्थापित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल में शुरू की गई राज्य जिम्मेदार पर्यटन मिशन RT मिशन की एक पहल महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना का उद्देश्य महिलाओं के अनुकूल पर्यटन केंद्र स्थापित करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस हर 27 अक्टूबर को होता है। रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2005 में यूनेस्को द्वारा इस स्मारक दिवस को चुना गया था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कितनी राशि में ट्विटर का अधिग्रहण पूरा किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है टेस्ला के CEO एलन मस्क ने ट्विटर का $44 बिलियन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। बॉस पराग अग्रवाल समेत कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स को बर्खास्त कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। भारत सरकार किस वर्ष तक सभी राज्यों में NIA की शाखाएं स्थापित करेगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकार आतंकवाद के मामलों से निपटने के लिए 2024 तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शाखाएं स्थापित करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एयरबस के साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरोपीय विमानन प्रमुख एयरबेस के साथ साझेदारी में भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह टाटा गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना IAF के लिए
C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। स्वदेशी ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय नौसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नौसेना के लिए स्वदेशी विकास, निर्माण और ड्रोन, काउंटर ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकियों के परीक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए हाथ मिलाया है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।